आज हम लोग बात करने वाले हैं Vivo के तरफ से U10। जी हाँ, U10 एक नया डिवाइस लॉन्च करने वाला है इंडिया मार्केट में। उसका पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन अभी निकल के आया है और क्या आपको एक्साइटेड होना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जान पहचान बना के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक विद जी। आज हम लोग बात करेंगे तो Vivo का नया जो स्मार्टफोन आने वाला है Vivo का U10, जो कि हम लोग के लिए है यानी आम कंज्यूमर के लिए है। तो चलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं, पहले मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों ये U10 जो है Vivo का, ये एक बजट सेक्शन का फोन होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर बात ये हो है कि ये U10 नाम क्यों दिया गया है। U10 का नाम से मुझे जो लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो अंडर 10। जी हाँ, जो भी आपको प्राइस बाहर में समझ में आ रही है कि 12,000-13,000, यहाँ पर ये प्राइस में नहीं आने वाला है। ये मेरा ओपिनियन है, U10 का मतलब अंडर 10, और ये किसके लिए है, हम लोग के लिए, आम कंज्यूमर के लिए। इसमें जानते हैं कि सबसे पहले क्या क्या मिलता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लीक हो गया है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल गया है, अगर अंडर 10 में फास्ट चार्जिंग, वो भी 18 वाट का फास्ट चार्जिंग जो कि बॉक्स में है, ये निकल के आ रहा है, और ये मिलने से हम लोग को काफी अच्छा होगा। इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, वाटर ड्रॉप नॉच मिल रहा है। जी हाँ, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ये डिवाइस आने वाला है। तो कोई भी आपको झमेला नहीं है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट जो आइडेंटिकल है सारे डिवाइस में, आजकल थोड़े से 19-20 में आएगा। थोड़ा सा नीचे में चिंग ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वो इतना भी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सिनेरियो में है। फोन ज्यादा लंबा है इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये जो फोटो दिखाया है मैं, इससे आपको ये समझना है। इसके अलावा अब क्या बात करते हैं, इसके बात करते हैं इसका फास्ट चार्जिंग हो गया तो बैटरी का। अब फास्ट चार्जिंग दे रहा है तो अब यह बात जरूरी है कि जानना कि कितना बैटरी दे रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि 10 मिनट आप चार्ज करिए और आपको 4-5 घंटे का टॉक टाइम का बैकअप मिल जाएगा। तो मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप आम जो कंज्यूमर है अभी के टाइम में जो बिजी शेड्यूल होता है, यहाँ पर बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके जो प्रोसेसर है वहां पर भी बोला ये जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आएगा और काफी पावरफुल आएगा। तो काफी पावरफुल इन द सेंस अंडर 10 में काफी पावरफुल आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं, 675 दे सकते हैं जो लेटेस्ट एक प्रोसेसर है। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है 675, ये काफी पावरफुल है। जी हाँ, ये तो आउट परफॉर्म स्कोरिंग का मामले में 710 को तो ऑलरेडी करके चुका है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, और ये काफी मार्जिन से करता है, यानी 4000 के मार्जिन से करता है। तो इसका जो 675 का स्कोर है 174,000 के आसपास है, और जो 710 है वो है आपको मिलता है 170,000। तो जी हाँ, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 710 से भी ये स्कोरिंग के मामले में ज्यादा लाता है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये जो प्रोसेसर है ये काफी अच्छा जो प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग काम करता है, ये हम लोगों ने जानते हैं, AI इसमें काफी इंप्रूवमेंट किया गया है। अब हम लोग कैमरा की बात करें, यानी इमेज की बात करें, तो कैमरा की बात कर लेते हैं। तो कैमरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडर 10 में बहुत अच्छे अच्छे डिवाइस है जिसका कैमरा क्वालिटी काफी अच्छा। तो यहाँ पर भी इन्होंने काफी अच्छा से ध्यान रखा हुआ है। बोला यहाँ ये जा रहा है कि इस बार ये लोग अंडर 10 में आपको 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो देने का कोशिश करेंगे, मतलब चांसेस हाईएस्ट है ये देने का। लेकिन यहाँ पर जो और है, जो फ्रंट है, 16 से आपको 22 का जो बीच का सेंसर आपको मिलेगा, जो कि फ्रंट सेल्फी में काम करेगा, बहुत ही अच्छा कैमरा का इसका इमेज आएगा। कुछ दिन में आपको इमेज भी देखने मिल जाएगा कि कैसा मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो टोटल पैकेज है स्नैपड्रैगन का 675, आपको डिस्प्ले मिलेगा HD+ का जो कि 6.3 इंच का है। इसके अलावा जो कैमरा है आपको 48+8+2 का जो ट्रिपल शॉट दे रहा है। इसके अलावा फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। ये जो चीजें है, जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है, इसके अलावा ये जो आउट परफॉर्म करता है 710 को, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो प्राइस में आएगा वो काफी हाईलाइटेड करके जाएगा। दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने बांट दिया, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, डिवाइस कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन बताइएगा। फ्यूचर में ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे अच्छे अच्छे और भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।